ये इंसान 18 सालों तक एक एयरपोर्ट पे फंसा रहा, मेहरान करीमी नासेरी, जो 1988 से 2006 तक फ्रांस के एयरपोर्ट पे फंसे रहे, जिनकी लाइफ स्टोरी को इंटरनेशनल अटेंशन मिला। इनके ऊपर 2004 में एक मूवी भी बनी थी, द टर्मिनल, जिस मूवी के मेन किरदार टॉम हैंक्स थे। नासेरी का परेशानी तब शुरू हुआ जब इनका इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट खो गया, जिसके बाद इन्हें फ्रांस में प्रवेश करने नहीं दिया गया या कहीं और यात्रा करना असंभव हो गया, जिसके बाद उन्होंने एयरपोर्ट पे ही रहने का फैसला किया और टर्मिनल 1 को अपना होम रेसिडेंस बना लिया। वहाँ के स्टाफ का वॉशरूम यूज किया करते थे और वहीं के रेस्टोरेंट में थोड़ा बहुत काम करके खाना खा लिया करते थे। इसी तरह 18 सालों तक अपना जीवन एयरपोर्ट पे बिताया। 2006 में किसी बीमारी के कारण उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो गई। और भी अधिक जानकारी के लिए आप इनकी मूवी देख सकते हैं, द टर्मिनल। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाएं।